हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं सोनू निगम से। तो सोनू निगम सर का भी एक पॉडकास्ट देखने को मिला जिसमें वो रैपर्स के बारे में बात करते हैं। तो उनका क्या कहना था, यहाँ पे आप लोग सुन लो। लव हनी सिंह, आई लव यू रैप, आई लव रैप। लोग रैप की बुराई करते हैं, हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज रैप। आपने कैसे सोच लिया कि हर चीज जो आप सोचेंगे ये गाते हैं, जो आप करते हैं वो ठीक है। रैप वाले बेवकूफ हैं क्या? करके बताओ जो वो कर रहे हैं, करके बताओ। उनकी सोच देखो, उनकी उनकी जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो अपनी पूरी जिंदगी डाल रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं आप दिस इज ठीक है, दे आर नॉट ग्रेट सिंगर्स, कोई बात नहीं, बट उनकी कला का तो आप सम्मान कीजिए। वो कहाँ से सोच रहे हैं, कौन से वर्ड्स आज वो एक गहरी बात को आपके शब्दों में आपको कन्वे करके कह रहे हैं, इस बात का सम्मान कीजिए आप। अब क्या सोचते हो इंडियन रैप सीन के बारे में? मुझे लगता है बहुत अच्छा है। मैं हमेशा सोचता हूँ, देखिए हर गाना हर कोई गा सके जी ऐसे पॉसिबल नहीं है। अभी मुझ में कहीं लोगों को पसंद बहुत है पर वो साथ में सिंगल ऑन नहीं कर पाते, रैप वो सिंगल वाला कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते कलम इंग के बारे में। तो जैसे कि कलम इंग के ब्रदर UK07 जो है वो अभी बिग बॉस में है, तो कलम इंग उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज डालता है। व्हाट्स अप, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल भाई को थोड़ा बहुत सुनने को मिला था बिग बॉस से। पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा, अगर वो फालतू की चीज़ों में लड़ना नहीं चाह रहा है, तुम्हारी सब्जी की लड़ाई में, सफाई की लड़ाई में, वो बाहर भी ऐसा है, वो अंदर भी ऐसा है, दैट इज़ व्हाट अ रियलिटी शो इज़। सेकंड चीज़, जितने भी लोग अभी रील्स बना रहे, फनी रील्स वगैरह ये वो सो करके कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई मैं ना एक चीज़ कहूँगा कि जितना गिराना है गिरा लो, जितना वो ख़त्म भी हो जाएगा ना, मैं साथ में खड़ा हूँ, इतनी ऊपर रख दूंगा ना भाई को छू नहीं पाओगे। सो आई डोंट गिव अ फक कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, दुनिया अलग हो जाएगी भाई, दुनिया उसे अकेला छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। लक्ष्मण जी ने तो वो जहर वाला धनुष खा लिया था, तो भाई मैं तो मौत तक उसके साथ खड़े होने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी मजे चल रहे हैं अभी 4 महीने का गेम, सो अगर तुम्हें लग रहा है उसके ये हो गया, वो हो गया, व्लॉगिंग ख़त्म हो जाएगी, हो जाएगी, नो मैटर, वो कैसे भी करके बाहर आए मेरे को नहीं पता, कम आए ज़्यादा आए ले आए, मैं खड़ा हूँ और मैं एंड तक खड़ा हूँ। रोक सकते हो रोक लेना दोनों भाइयों को, पहले भी नीचे से उठे हैं, जीरो से उठे हैं, बहुत ग्राउंडेड है भाई, पहले भी कुछ नहीं था तब भी लड़ रहे थे ना, अभी तो बहुत कुछ है ऊपर वाले की दुआ से। ऊपर वाला देख रहा है, जितना गिरा सकते हो गिरा लो, जितना उठा सकते हो उठा लो, इतना ऊपर रख दूंगा छू नहीं पाओगे, दैट इज इट। सबको प्यार, सबको वो आएंगे भाई आएंगे, वही बात है ना, लक्ष्मण जी ने राम के लिए तो जहर वाले वो खा लिए थे, हम तो फिर भी आज के हैं भाई, मौत तक। तो नेक्स्ट अपडेट मुफाड़ की साइड से। तो मुफाड़ जो है वो अपना नेक्स्ट ट्रैक 30 अक्टूबर को लेके आने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जी म्यूजिक के जो गाने हैं वो स्पॉटिफाई पे नहीं है, तो स्पॉटिफाई और जी म्यूजिक के बीच में कुछ लाइसेंसिंग का इशू चल रहा है जिस कारण से उनके गाने जो है वो स्पॉटिफाई पे नहीं आ पा रहे। अभी जो हनी सिंह की एल्बम आई है उसके ट्रैक जो है वो अभी स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हो गए, तो कला स्टार ट्रैक भी अभी आ चुका है स्पॉटिफाई पे, तो अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। साथ ही इसे कहते हैं हिप हॉप ट्रैक जो है वो 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो अब बात कर लेते EPR के बारे में। तो EPR की एल्बम आउट हो चुकी है जिसका नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिकंदर कालो का दिल विद चोर नाम का एक गाना आउट हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं मुक्ता के बारे में। तो मुक्ता के एक स्टोरी डालती हैं इंस्टाग्राम पे, आके करेंगे बहुत बात, असल में झाट बराबर नहीं इनकी औकात, मेरे डॉग के महीने का खर्चा इनकी साल की कमाई। तो अब बात कर लेते हैं XXXTentacion के बारे में। तो एक्स की क्वेश्चन मार्क एल्बम अभी 10 बिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुकी है स्पॉटिफाई पे। तो अब बात कर लेते हैं MC Stan के बारे में। तो MC Stan एक पोस्टर डालता है, दिस कमबैक इज पर्सनल, एंड ऑफ एन एरा, बस्ती का हस्ती, फाइनल म्यूजिक वीडियो फ्रॉम माय एल्बम इंसान, एंड ऑफ अ फेस, कैन नॉट वेट टू टेल यू व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, जो आगे होगा वो देख के भक्ते। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।